दोस्तों, मैं भी तालाब का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माँ विंध्यवासिनी के बस 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर विंध्य पहाड़ियों पर स्थित काली खोह मंदिर। तो हम काली खोह मंदिर के रास्ते में अभी तो पहुँचते हैं और वहाँ के दिखाते हैं आपको व्यू। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम अभी माता काली खोह मंदिर जो कि विंध्य पर्वत पे स्थित है और यहाँ पे मतलब पहाड़ तो चढ़ना नहीं है, पास में ही है, तो चलते हैं मंदिर की ओर। और यहाँ पे भी ठीक ठाक है और विंध्याचल से जस्ट बगल में ही है, लगभग 2 किलोमीटर है काली खोह। आइए आपको ले चलते हैं काली खोह मंदिर और दिखाते हैं यहाँ पर कुछ भी। तो मंदिर के आसपास से कुछ इस प्रकार के व्यू हैं जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों का प्रसाद का यहाँ पे दुकान है और आप यहाँ से प्रसाद ले करके और मंदिर के अंदर आप जा सकते हो। यही है जो माता काली का मंदिर है जो आप देख सकते हैं। तो हालांकि मोबाइल इसमें भी बैन है, अंदर लेकर नहीं जा सकते हैं। आप जा सकते हैं मगर कैमरा अलाउ नहीं है तो आपको दिखा नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ रखनी चाहिए जय माता दी। जैसा कि आप देख सकते हैं काली खोह मंदिर के पास जो ऊपर की पहाड़ी है वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ के लिए रोपवे भी है और वहाँ से आप देख सकते हैं सीढ़ी भी है। तो आप ऊपर में जा सकते हैं दोनों एक तरफ से। तो यहाँ का रोपवे बहुत ही अच्छा यहाँ का भी है, दो लगे हुए हैं। हालांकि यहाँ से आप जा सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार था काली खोह मंदिर जो कि आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी अष्टभुजी काली खोह मंदिर के बाद अष्टभुजी मंदिर पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं सीढ़ी हम लोग उतर के जाएंगे। हालांकि पहले जो था वो रास्ता दूसरा था और यहाँ पे ट्रॉली की सुविधा है दोनों ही। ये दो रास्ते हैं और एक सीढ़ी भी जाता है, उसके लिए हम बाई रोड आके ऊपर नीचे सीढ़ी उतर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर सीढ़ियों के पास में बना हुआ प्रसाद देने के लिए स्थान, तो आप यहाँ से ही प्रसाद ले सकते हैं। और जो है हम लोग मेन मंदिर के पास लगभग आ गए हैं। तो जो अष्टभुजी मंदिर है वो यहीं पे है और यहाँ पर यहाँ सीढ़ियों का लाइन लगा हुआ है। के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर एक वीडियो में। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाएं चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।